राहुल गांधी की यात्रा को लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट 4 दिसंबर को झालावाड़ और छह दिसंबर को कोटा के ग्रामीण इलाकों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। साथ ही सात दिसंबर को कोटा शहर में प्रवेश करेगी नेशनल हाईवे बावन से होकर गुजरने वाली इस यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है कोटा के एसपी के सर सिंह शेखावत ने बताया कि यात्रा के झालावाड़ में प्रवेश करते ही नेशनल हाईवे बावन को बंद कर दिया जाएगा तारीख को यात्रा के निकल जाने के बाद ही नेशनल हाईवे खुलेगा हमने जो यात्रा के दौरान कितने लोग उनके साथ रहते हैं और सुरक्षा के क्या प्रबंध पूर्व के जिलों में किए जा रहे हैं पूर्व के राज्यों में इसके लिए पूरी रेंज के चुनिंदा अधिकारियों की एक टीम वहाँ पे भेजी थी मध्य प्रदेश में उन्होंने दो तीन दिन वहाँ रह के पूरा स्टडी किया कि उनकी मूवमेंट के दौरान कितने लोग साथ रहते हैं उनकी क्या एक्टिविटी है क्या रूटीन रहता है ये सारी स्टडी करके हमारी जो लोकल कंडीशंस हैं उनके ध्यान में रखते हुए जो भी सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाने अपेक्षित है, हैं वो करेंगे पूरा जो रूट है उसका यातायात का प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती रहेगा इसके लिए जिस दिन या यात्रा कोटा झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी उसी दिन से इस रूट पर जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट करना ये हमारा मुख्य धेय रहेगा लोगों को इस संबंध में हम समय पूर्व बताने की कोशिश करेंगे कि चूंकि वहाँ से यात्रा आ रही है इसलिए इस रूट पर यात्रा नहीं करके किसी अन्य मार्ग को चुनें अन्य विकल्प जो भी उपलब्ध हैं वहाँ से यात्रा करें एक तो जो वीआईपी है पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके साथ में दो तीन लेयर्स में पहली लेयर तो उनकी सीआरपीएफ की रहती है उसके बाद लोकल पुलिस का अरेंजमेंट रहता है सीपीटी और दूसरा जाप्ता पीआईपी के पास में